मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता साथियों, भाइयों बहनों, आज हम सबके लिए एक ऐतिहासिक, एक पवित्र और शुभ दिन है। 150वीं साल पहले आज ही के दिन महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष का भारत की धरती पर जन्म हुआ था। उन्होंने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता अपनाने की प्रेरणा दी। हमें महामानव की स्मृति को, ऐसे महामानव की स्मृति को बार बार नमन करते हैं। आज जब हमारा देश और पूरी दुनिया महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मना रही है, हम सभी को इस बात पर गर्व है कि आज भारत जहां पहुंचा है, गांधी जी के रास्ते पर चलकर पहुंचा है। गांधी जी का नाम लेना तो आसान है, लेकिन उनके रास्ते पर चलना आसान नहीं है। गांधी जी का नाम लेकर भारत को उन्हीं के रास्ते से हटकर अपनी दिशा में ले जाने की कोशिश करने वाले पहले भी कम नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तो साम दाम दंड भेद का खुला कारोबार करके वे अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं। इस सब के बावजूद अगर भारत नहीं भटका तो इसीलिए कि हमारे मुल्क की बुनियाद में गांधी जी के उसूलों की आधारशिला है। भारत और गांधी जी एक दूसरे के पर्याय हैं। ये अलग बात है कि आजकल कुछ लोगों ने इसे उल्टा करने की जिद पकड़ ली है। वे चाहते हैं कि गांधी जी नहीं बल्कि आरएसएस भारत का प्रतीक बन जाए। मैं ऐसे कहने वालों को साफ शब्दों में बताना चाहती हूं कि हमारे देश की मिलीजुली संस्कृति, मिलीजुली सभ्यता और मिलेजुले समाज ने गांधी जी की सर्वसमावेशी व्यवस्था के अलावा कभी कुछ सोच नहीं सकती। जो आप तो बताइए कि जो असत्य पर आधारित राजनीति कर रहे हैं, वे कैसे समझेंगे कि गांधी जी की सत्य के पुजारी थे, जिन्हें अपनी सत्ता के लिए सब कुछ करना मंजूर है। वे कैसे समझेंगे कि गांधी जी अहिंसा के उपासक थे, जिन्हें लोकतंत्र में भी सारी शक्ति खुद की मुट्ठी में रखने की प्यास है। वे कैसे समझेंगे कि गांधी जी के स्वराज का क्या मतलब है, और जिन्हें मौका मिलते ही अपने को सर्वे सर्वा बताने की इच्छा हो, वे कैसे समझेंगे कि गांधी जी की निस्वार्थ सेवा का मूल्य। आजादी के बाद इसी रास्ते पर चलकर कांग्रेस ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के कदम उठाए, चाहे नेहरू जी, शास्त्री जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, नरसिम्हा राव जी हो, या तो फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, सभी ने नए भारत के निर्माण के लिए दिन रात संघर्ष किया और तरक्की की नई मिसाल कायम की।
यही वजह है कि हम इतनी सारी मंजिलें तय हुए। गांधी जी के मार्ग पर चलकर कांग्रेस ने जितने नए रोजगार के अवसर पैदा किए, जितने लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाए, हमारे अन्नदाता किसानों को जितने नए नए साधन उपलब्ध कराए, हमारी प्यारी बहनों के लिए जितनी सुविधाएं मुहैया की, युवक और युवतियों को जितनी शिक्षा की सुविधाएं दी, वे मैं समझती हूँ बेमिसाल है। लेकिन पिछले 4-5 साल में भारत की जो हालत हो गई है, मुझे लगता है कि उसे देखकर गांधी जी की आत्मा भी दुखी होती होगी। बेहद अफसोस की बात है कि आज किसान भाई बदहाल की स्थिति में है। हमारे युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। मेरी बहनों, गांव तो छोड़िए, बड़े शहरों में भी सुरक्षित नहीं है, और उन पर अत्याचार करने वाले प्रभावशाली लोग तो आराम फरमा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर संकल्प मजबूत हो तो मंजिल कभी दूर नहीं होती। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करती हूँ, और इस अवसर पर शामिल होने के लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।